आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर प्राणी मानसिक शांति चाहता है और सफलता पाना चाहता है जीवन के हर पहलू में। आप सभी दर्शकों और श्रोताओं को इसी जिज्ञासा को शांत करने और इच्छा की पूर्ति करने के लिए हम टैरो कार्ड, यंत्र मंत्र, भविष्य फल और ज्योतिष को लेकर ज्योतिष जगत के विख्यात आचार्य पी खुराना की शिष्या सुश्री शिल्पा डीधर ज्योतिष विद्या के भिन्न विषयों पर हर रविवार मुंबई से ये कार्यक्रम अर्थ प्रकाश मीडिया ग्रुप के लिए विशेष रूप से देने जा रही हैं। इस कार्यक्रम के बारे में कृपया अपनी राय दें, वीडियो को लाइक करें व बेल का बटन दबाएं और शेयर अवश्य करें। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूँ शिल्पा धीधर और एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है आप सबके अपने फेवरेट चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं उड़ान की। जी हाँ, सात समुंदर पार लंबी उड़ान की। जो लोग आप में से फॉरेन कंट्रीज में जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए, सेटल होने के लिए, पीआर लेने के लिए या नौकरी करने जाना चाहते हैं और आ रही है अड़चने, तो क्या किया जाए? अब ऐसे के लिए ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। मैं बार बार अपने हर एक वीडियो में पहले भी ये चीज़ बोल चुकी हूँ कि ज़िंदगी का जब एक कार्मिक साइकिल ओवर होता है तभी दूसरे कार्मिक साइकिल की आप बढ़ सकते की ओर आप बढ़ सकते हैं। और अभी जब हम बात करते हैं समुद्र की, जब भी समुद्र किसी भी कार्मिक यात्रा में या आपके किसी भी जीवन के अध्याय और चैप्टर्स के बीच में आता है तो हमें पहले एक चैप्टर को पूरा करना पड़ता है तभी हम दूसरे चैप्टर की ओर बढ़ पाते हैं। तो फॉरेन कंट्री में ट्रैवल करने के लिए सबसे पहले आपकी कुंडली में 12वां घर जो है आपको ये देखना जरूरी है उसमें कोई ऐसा ग्रह तो नहीं है, केतु तो नहीं है, कोई ऐसा ग्रह तो नहीं बैठा हुआ है जिसकी वजह से वो मैलिफिक हो चुका है, वो इफेक्टेड हो चुका है आपका 12वां घर। आपका भाग्य का स्थान इफेक्टेड तो नहीं है, जो आपके भाग्य के जो सितारे हैं वो चमक नहीं रहे हैं। तो इसको मद्देनजर रखते हुए जो उपाय इस बात का है वो है टैरो के दृष्टिकोण से द वर्ल्ड का कार्ड। तो वर्ल्ड का कार्ड जो है प्रतीक है कार्मिक साइकिल के कंप्लीट होने का और नए कार्मिक साइकिल, नई लंबी यात्रा, लंबी उड़ान भरने का प्रतीक है। और लंबी उड़ान के आरंभ को आरंभ करने से पहले सबसे पहले अनिवार्य है कि हम लोग क्या करें, हम लोग इस कार्ड को ऑर्डर करें और ये एनर्जाइज्ड कार्ड होगा। और इसे आपने कहाँ रखना है, इसे आपने वेस्ट डायरेक्शन में, क्योंकि हम वेस्ट की ओर आगे बढ़ रहे हैं, वेस्ट की डायरेक्शन में आपने दीवार पे, ड्राइंग रूम में या लिविंग रूम में या डाइनिंग रूम में आपने इसकी जो पेंटिंग है इसको वॉल पे लगा देना है। और इसी के साथ साथ जो अंक आएगा इसमें वो 2 का अंक है, यानी कि 11/2/20 जिसका टोटल 2 होता है, उस तारीख को आप इस पेंटिंग की जो है स्थापना कर सकते हैं। और अपने वीजा रिलेटेड जो काम आपने करने हैं इन्हीं डेट्स को करने हैं, 2/11 या फिर 20 को, ठीक है। और जो प्लैनेट इस चीज को डिनोट करता है वो चंद्र होता है, और चंद्र का जो न्यूमरोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन है वो 2 ही है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी की, न्यूमरोलॉजी की और वास्तु की। और उपाय के तौर पे मैं आपको बता चुकी हूँ कि वर्ल्ड का कार्ड पेंटिंग के रूप में आपने एनर्जाइज्ड, जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ हर वीडियो में कि जब मैं एनर्जाइज्ड की बात करती हूँ तो एनर्जाइज्ड ऐसा नहीं है कि आपने इस पे आप पूजा कर ली और वो एनर्जाइज हो गया, नहीं। एनर्जाइज्ड पेंटिंग्स जो हम प्रोवाइड करते हैं वो प्रॉपर यंत्र और मंत्र की ऊर्जाओं से स्थापित होती हैं और आपके घर में उसको स्थापित करने के बाद जो ऊर्जाएँ हैं पूरे घर में फैल जाती हैं। तो इसी के साथ मैं आप सबसे इजाज़त लेना चाहूँगी, बट वीडियो ख़त्म होने से पहले आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, शेयर करना है, लाइक करना है। और अगर आप चाहते हैं मैं किसी खास टॉपिक पे वीडियो बनाऊं जो आपकी ज़िंदगी या आपके करीबी लोगों की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन पे ज़रूर मुझे बताइए, आपका हर एक कॉमेंट मैं पढ़ूंगी। नमस्कार। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।